देवभूमि द्वारका ना माधव पांजरापोल ट्रस्ट गौशाला खाते आंबा मनोरथ नु करायु आयोजन। देवभूमि द्वारका ना माधव पांजरापोल ट्रस्ट गौशाला खाते आंबा मनोरथ नु करायु आयोजन। देवभूमि द्वारका ना माधव पांजरापोल ट्रस्ट गौशाला खाते अनोखा मनोरथ नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जे अत्यार सुधीमां देवभूमि द्वारका जिल्लामां पहेली ज वार योजायुं हतुं। ज्यारे उनाळानी ऋतु आवता लोको केरी खावानुं पसंद करे छे, त्यारे आज रोज गौ માતાને પણ 500 કિલો જેટલી કેરીના મહાભોગનું ખૂબ જ ભવ્ય એવું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જ્યારે આ મનોરથ ગૌશાળાના તથા અન્ય દાતાઓના લાભાર્થી આ મનોરથનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે સાંજના સમયે ગૌ માતાની મહા આરતીનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે આંબા મનોરથ તથા ગૌ આરતીનો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગૌ ભક્તો તથા લોકોએ લાભ લીધો હતો। જ્યારે આ મનોરથની અંદર ગૌ પ્રેમી સાધ્વી માતા દ્વારા પણ આ ભવ્ય આંબા મનોરથની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, લલિતી શિંગડિયા, દેવભૂમિ દ્વારકા। ગૌશાળા ખાતે આંબા મનોરથનું આયોજન કરેલ છે, તે વિશે આપ શું કહેશો ખેરાજભા? આજરોજ માધવ ગૌશાળામાં આંબાનો કેરીનો ગાય માતા માટે જે મનોરથ કરવામાં આવ્યો, અમે સૌ ગૌ ભક્તોએ જે આરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, સૌએ ખાસ સરકાર સાથે જો આરતીનો લાભ લીધો અને ખરેખર આ બહુ ગૌ ભક્તો માટે મોટી વાત કહેવાય કે મનુષ્ય ગૌ બધા પોતા માટે તો મનોરથ બધા દેવી દેવતાઓ માટે કરતા હોય, ખરેખર ગાય માતા માટે આ કેરીનો આજ મનોરથ કરવામાં આવ્યો અને અમે અમારી જાતને ભાગ્યશાળી કરીને કે આજ ગાય માતાના દર્શન કરવાનો લાભ મળ્યો, આરતી કરવાનો લાભ મળ્યો, અમારી જાતને અમે ધન્યતા અનુભવીએ। आज हम मिठापुर की गौशाला में उपस्थित हुए, यहाँ गौ माताओं के लिए मनोरथ था, उस निमित्त भी आना हुआ था कि मनोरथ के दर्शन करें और साथ ही साथ सभी द्वारिका नगरी और एवं आसपास क्षेत्र के सभी गौ भक्तों के लिए विशेष निमंत्रण है कि दिनांक 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक, 7 जुलाई से 14 जुलाई तक अपने द्वारिका में एक भव्य ऐतिहासिक गौ गुरु गोविंद महोत्सव हो रहा है, जिसमें विशेष रूप से गौ माता की हमें जानकारी प्राप्त होगी। गौ माता का वैज्ञानिक महत्व, गौ माता का सामाजिक महत्व, गौ माता का औषधीय महत्व, इन सब पर उस कथा में चर्चा की जाएगी। हमारे राष्ट्र में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, हमारे देश में जो भी समस्याएं चल रही हैं पर्यावरण को लेकर के, जैसे कि हमारा देश का काफ़ी सारा युवा समाज नशे की गिरफ्त में आ चुका है, इस बारे में उस कथा में चर्चा की जाएगी। इस कथा के जो वक्ता हैं वो हमारे परम पूज्य दुर्गा भगवान हैं, जिनके सानिध्य में 31 वर्ष की गौ पर्यावरण अध्यात्म चेतना पदयात्रा चल रही है। ये पदयात्रा संपूर्ण भारतवर्ष में चलेगी और ये पदयात्रा राजस्थान से 4 दिसंबर 2012 को प्रारंभ हुई थी और अब तक ये पदयात्रा 90,000 किलोमीटर चल चुकी है। 20,000 से भी अधिक गाँव में, कस्बों में हमारे गुरुदेव ने गौ माता की कथा कही है। गुरुदेव भगवान निस्वार्थ भाव से गौ माता की कथा कहते हैं, कहीं से भी दान चंदा भेंट से लेते नहीं हैं। 17 वर्ष से गौ माता की रक्षा के लिए अन्न का त्याग कर रखा है, पैरों में जुटा चुका कुछ भी धारण नहीं करते हैं। इस कथा के पीछे एक विशेष भाव ये है कि द्वारिका क्षेत्र में गौ माताओं के लिए कोई आधुनिक चिकित्सालय नहीं है, जहाँ गाय माताओं का संपूर्ण इलाज हो सके, जैसे गाय माता का एक्सरे हो सके, गाय माता का MRI हो सके, गौ माता के पेट में सोनोग्राफी हो सके। और इस उद्देश्य से द्वारिका में ही एक भव्य बड़ा गौ माता का आधुनिक गौ चिकित्सालय बनाने की योजना है और उसे उपलक्ष्य में ये गौ माता की कथा हो रही है। तो आप सभी आसपास क्षेत्र वाले पधारे, 7 तारीख की 14 तारीख सुधी सुबह 10 बजे से 1 बजे सुधी गौ माता की कथा था से स्वामीनारायण मंदिर ना पाछड़ जो ग्राउंड है वहीं पर गौ माता की कथा होगी। आप सबको पधारना और इस कथा को ऐतिहासिक बनाना है। जय गौ माता, जय गोपाल, जय द्वारिका। जी माता जी, आपको यहाँ आके माधव गौशाला में आके आपको कैसी अनुभूति हुई जी, ये मनोरथ लगाने के बाद में? माधव गौशाला में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, सबके गौ माता के प्रति भाव बहुत ही अच्छे हैं और सभी गौ भक्तों ने बहुत भाव से गौ माता के लिए आम का मनोरथ किया है। आम सभी फलों का राजा होता है, जब आम का सीजन आता है सब लोग बड़े भाव से आम जीमते हैं, परंतु ये आम जीमते जीमते जब गौ माता का ख्याल मन में आ जाए कि हमारे इष्ट को भी ये प्रसाद लगाना चाहिए, हम जो जीम रहे हैं ये भाव बहुत बड़े होते हैं, उसी भाव के साथ यहाँ सभी मिठापुर वालों ने आम मनोरथ करवाया। और माधव गौशाला के गौ भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माधव गौशाला की गौ भक्त काफ़ी कर्मठ है और केवल माधव गौशाला में नहीं, मैंने जब जब देखा है संपूर्ण द्वारिका जी के आसपास क्षेत्र में जहाँ भी गौ माता